हेलो दोस्तों, मैं हूं शिमिक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। आज आपको हम बताएंगे 11th क्लास का फिजिक्स के ब्लूप्रिंट यानी फिजिक्स के क्वेश्चन का पैटर्न, यानी कौन सा यूनिट से कितना नंबर रहेगा और आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको 11th और 12th, 9th, 10th का NCERT सिलेबस तो कवर किया जाता है, साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी गेस किया जाता है और इनमें से जो भी क्वेश्चन गेस किया जाता है वो एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इस चैनल में जो लोग अभी तक देख चुके हैं उन लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, यानी ट्यूशन में जो भी हम पढ़ाते हैं वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, 400 से प्लस रहता है आपका। और इस बार आप भी इंटर में बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए, इस चैनल में बने रहे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। एक चीज हम बता देंगे आपको, जो लोग टॉप करते हैं या जो लोग का मार्क्स ज्यादा आते हैं वो लोग मतलब ज्यादा ऐसा पढ़ता है, ऐसा नहीं, कोई एक सिस्टम बना के पढ़ते हैं इसलिए उन लोग का मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो हम लोग भी आज देखेंगे कि किस सिस्टम में बना के हम अगर पढ़े तो हम मेरा मार्क्स भी अच्छा हो सकता है। हम जानते हैं कि जो विज्ञान था, हम 10th क्लास में पढ़े थे, उसको हम लोग तीन भागों में बांटे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान। तो उस विज्ञान को हम लोग तीन भागों में बांटने के बाद 11th क्लास में आपका फिजिक्स जो है वो 100 मार्क का हो गया है और केमिस्ट्री जो है वो भी 100 मार्क का हो गया है और जो बायोलॉजी भी है वो भी 100 मार्क का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ 100 मार्क को फिर हम दो भाग में बांटेंगे, एक का नाम बोलेंगे थ्योरी, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थ्योरी में जो आपका है वो 70 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा और जो प्रैक्टिकल होगा आपका 30 नंबर का होगा। तो 70 में आपको 23 लाना अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं था, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 33 लाने से पास होते थे, लेकिन यहाँ पे थ्योरी में 33 लाना अनिवार्य है और प्रैक्टिकल में आपको 10 लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ज्यादातर अगर जो लोग जो सर प्रैक्टिकल नंबर देते हैं हम उनके पास अगर ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं, ऐसा हमारे इंडिया में देखा जाता है या कई राज्यों में देखा जाता है, सर लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनको मतलब उनके पास पढ़ने पर ज्यादा अच्छे नंबर देते हैं। फिर सब टीचर ऐसा भी नहीं है, कोई कोई टीचर ऐसा भी है कि वो नंबर देते हैं, फिर भी जब भी हो जो भी हो, लेकिन 22 नंबर आपको हर टीचर देते हैं, 22 से कम कोई नहीं देता है, क्योंकि यदि आपको 23 आ जाता है और उधर सबको 22 मिल जाता है तो क्या है, उसपे आपको 45 हो जाता है। यदि कोई भी सब्जेक्ट में आपको 45 नंबर हो जाता है तो उसमें आपको ग्रेजुएशन में ऑनर्स करने के लिए मिल जाता है। इसलिए ऑनर्स सब सब्जेक्ट में होना चाहिए या उस सब्जेक्ट में होने के लिए जो भी सर होते हैं, ज्यादातर अक्सर सर लोग सबको ही 22 नंबर दे देते हैं प्रैक्टिकल में। तो हम लोग प्रैक्टिकल में अगर 22 आ जाए, थ्योरी में हम 23 ला पाए तो क्या हम पास हो जाएंगे, सेकंड ईयर में भी पास हो जाएंगे। तो हमको 11th क्लास में कम से कम अगर हम इतना कमजोर है तो हमको इतना सोचना है कि 23 से हम एक नंबर ज्यादा भी नहीं लाएंगे और 23 नंबर से कम भी नहीं लाएंगे, 23 ही लाएंगे तो काफी है मेरा, ठीक है। जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग तेज है, वो लोग तो अपना पढ़ेंगे लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फॉलोइंग क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस, आपकी जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, यानी उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है, ठीक है, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू, एम का अर्थ होता है मल्टीपल, सी का अर्थ होता है चॉइस और क्यू का अर्थ होता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट चॉइस और आप सही आंसर पर टिक लगाइए, ये बताया जा रहा है, सही आंसर पर टिक लगाइए। इस क्वेश्चन हैव सेम मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर बराबर होंगे जो कि 2 नंबर तक की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन अगर होता है तो 2 नंबर करके तो कितना हो जाएगा, 70 नंबर, ठीक है, 35 70 नंबर, तो मेरा फिजिक्स जो है वो 70 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें कुछ चैप्टर ज्यादा है, ठीक है, चैप्टर के दृष्टि में अगर देखें तो इसमें कुछ ज्यादा चैप्टर होंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो यूनिट लिखे हैं, यूनिट 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंदर 15 चैप्टर है, ठीक है। तो हम फिर आपको हिंदी में भी इसको बताते जाएंगे, जरूर चैनल में लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए पहला यूनिट जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड इसमें है आपका मेजरमेंट। इस टॉपिक से यहाँ पे एक यूनिट है लेकिन यहाँ 2 टॉपिक घुसा हुआ है इसके अंदर, इसमें से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर हो जाएंगे आपका। दूसरा यूनिट जो है काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स में आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर है, 10 नंबर आएगा। लॉ ऑफ मोशन सबका यूनिट जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर करके। वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें सबका 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर करके, तो 6 नंबर हो जाएगा। यदि मान के चलिए यहां से 10 और यहां से 4 तो कितना हो गया, 24। यदि हम 3 ही यूनिट पढ़ पाए हैं तो क्या है, काफी हमको नहीं पढ़ रहा है,
जो लोग हम लोग डरते हैं पढ़ने से या जो लोग हम लोग पास करने से डरते हैं, वो लोग हमें यही सलाह देंगे कि आप अपना दिमाग को उतना बोझ मत दीजिए, कुछ ही चैप्टर आप पढ़िए। लेकिन जो लोग हम नौ मतलब उतना कैपेबिलिटी है, उतना हम लोग को डर नहीं है, हम चाहते हैं नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो पूरा टॉपिक पढ़िए। लेकिन जो लोग को डर है, वो लोग हमें यही सलाह देंगे कि आप कुछ ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, और उन्हीं चैप्टर से जो क्वेश्चन होगा उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक, तो यहाँ से अगर मान के चलिए अगर 4 ही यूनिट और पढ़ेंगे तो आपका 30 नंबर हो जाएगा, 30 नंबर सब 23 नंबर इजी आ जाएंगे। जो भी है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इस यूनिट से आपका 3 क्वेश्चन आएगा, 3 में से 2 अगर 2 नंबर 6 नंबर। ठीक है, ग्रेविटेशन जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, 3 क्वेश्चन आएगा इसका, 2 नंबर 6 नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लू मैटर, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर 10 नंबर। ठीक है, यहाँ पे है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर के आपका 4 नंबर। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यहाँ से इस चैप्टर से यानी इस यूनिट से आपका 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर करके, 2 मार्क 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर करके 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे है ऑसिलेशन एंड वेव्स यानी दोलन और तरंग, इसमें से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से 5 क्वेश्चन में 2 नंबर करके 10 नंबर। अब हम आपको एनसीईआरटी बुक्स है मेरे पास, इसमें से हम आपको जो यहाँ पे यूनिट है, इस यूनिट के ही अंदर जो जो टॉपिक आते हैं उनको पढ़ते जाएंगे। यदि आप लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला जो टॉपिक था, ठीक है, पहला जो यूनिट है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें आपका जो है लगभग मान के चले कि 4 इसके अंदर मैंने छोटा छोटा सब टॉपिक 4 है। ठीक है, जो एक है पहला जो है भौतिक गति, ठीक है, जो हम जैक बोर्ड के जो सिलेबस है उसकी बता रहे हैं। दूसरा मतलब इसका हिंदी जो है, इसका हिंदी हम पढ़ देते हैं, भौतिक जगत और मात्रक एवं मापन जिसको हम कह सकते हैं, मेजरमेंट माने मात्रक के मापन। इसमें पहला टॉपिक जो है भौतिक जगत, दूसरा टॉपिक है मात्रक एवं मापन, तीसरा है बीमियो बीमा और बीमियो विश्लेषण, तीसरा है सार्थक एवं अंत त्रुटियां। यहाँ 4 टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका इजी 2 क्वेश्चन आ जाएगा। फिर हम पढ़ाते जब जाएंगे तब आप फिर शॉर्ट आउट करनी कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, वो भी हम बताते जाएंगे आपको। जो आपका दूसरा जो है यहाँ पे है लॉ ऑफ ना, जो आपका ये है काइनेटिक्स, इसमें से आपका लगभग यहाँ 5 टॉपिक है, सरल रेखा में गति, एक समान त्वरित गति, सदिश और समतल में गति, वृत्तीय गति, ये आपका। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट है लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम, यहाँ पर 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में पहला चैप्टर है गति के नियम, दूसरा है घर्षण, तीसरा है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्ताकार गति। उसके बाद 4 नंबर जो टॉपिक है चैप्टर है उसमें वही है, और एनर्जी एंड पावर यानी आपका शक्ति, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। उसके बाद 5 नंबर जो टॉपिक है, ठीक है, 5 नंबर टॉपिक जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यहाँ भी आपका वही एक ही चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण में भी एक ही चैप्टर है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में यही चैप्टर है। हाँ, अब जो है 7 अध्याय जो है यानी 7 नंबर जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लूक मैटर, इसमें से आपका चैप्टर भी बड़ा है, इसमें टॉपिक भी बड़ा है। ठीक है, इसमें मान के चलिए आपका 5, 6, 7 टॉपिक इसमें से है, जो जो है हम बताते जा रहे हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, यहाँ 2 गो है, तरलों के यांत्रिक गुण करके 3 चैप्टर है। द्रव्यों के तापीय गुण एवं द्रव्यों के तापीय गुण, यहाँ भी 2-2 चैप्टर है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 7 चैप्टर है, 7 में से किसी जो जो मेरे से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आपको बता दें जाएंगे आगे। ठीक है, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें एक ही चैप्टर है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी गैस, ये भी एक ही चैप्टर है इसमें से भी। और लास्ट जो आपका 10 नंबर ये है, उसमें ऐसा आपका लगभग छोटा अगर चैप्टर देखा जाए तो 2 चैप्टर है, एक दोलन और एक तराई। ठीक है, तो यहाँ से आपको और एक चीज हम शॉर्ट नोट और कर देते हैं आपसे, तो एक अच्छा हो जाएगा। देखिए, यहाँ लगभग 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जो भी है, छोटा चैप्टर देखा जाए तो यहाँ से 4 चैप्टर था, और शायद यहाँ से भी 3-4 चैप्टर था। तो इस तरह करके जो जो छोटा छोटा चैप्टर है, उन चैप्टर को अगर हम शॉर्ट नोट करके फिर उससे अगर अरेंज कर सकते हैं कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या होगा, मेरा जो सिलेबस है वो एकदम शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो लोग कमजोर हैं उन लोगों को तो पढ़ने में और हेल्प होंगे। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और इस चैनल में अगर जुड़े जाते हैं
इस चैनल के सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। वहां से आपको क्या होगा, पीडीएफ हर नोट मिलता जाएगा, ये सब पीडीएफ में है मेरे पास, पीडीएफ आपको नोट मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और आप लोग से छोटा सा हम एक रिक्वेस्ट रखेंगे कि ये चैनल में अभी हम लोग शुरू शुरू किए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा सब्सक्राइब नहीं, तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग के अंदर जो भी हम लोग का ग्रोथ है, जो भी कुछ है, टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं। कई सालों से हम लोग ट्यूशन पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग को एक्सपीरियंस भी है और कुछ तत्व भी है। हम लोग का सारा क्वेश्चन जो आपका नोट्स जो है, आपका मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटराइज है यानी टाइपिंग क्या हुआ है, सारा चीज हम आपको धीरे धीरे देते जाएंगे। और कुछ दिन हम व्यस्त थे अपने एग्जाम में, अभी भी कुछ दिन हम व्यस्त हैं, जब जैसे हम फ्री हो जाएंगे तो हर रोज वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।